Sister Usha Priya, Staff Nurse, St. Francis Hospital and Research Center, आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 2 महीने से हम हमारे हॉस्पिटल में COVID-19 सस्पेक्टेड पेशेंट्स की देखभाल कर रहे थे। सच कहूँ, शुरू में तो हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन मन में एक पॉजिटिव एनर्जी थी कि पीछे नहीं हटना है। ये सफ़र आसान नहीं था, पर पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हम मरीज की सेवा में लगे गए। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज PPE किट पहनकर 8 घंटे लगातार काम करना था। PPE किट पहनकर काफ़ी डिस्कम्फर्ट होना पड़ा, घबराहट, पसीना में दर रहना, सांस लेने में तकलीफ, रैशेस, इचिंग और सबसे बड़ी बात इस गर्मी में प्यासी रहना, पर्सनल नीड्स फुलफिल ना कर पाना, डिहाइड्रेशन होना और ऐसी कई समस्याओं के साथ हम अपने हॉस्पिटल के उद्देश्य केयर विद लव को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते गए। वैसा तो हमारा हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने सभी को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था, पर फिर भी कुछ स्टाफ समय समय पर अपने घर जाते थे। उन्हें और उनके घर वालों को एक अलग तरह का डर था कि कहीं उनके हॉस्पिटल से घर जाने से परिवार वालों ना इफेक्ट हो जाए, पर परिवार वालों को हमेशा सहयोग रहा। हमें इस दौरान पूरी सावधानी बरती और हमें ना एक भी स्टाफ ना उनकी परिवार कोविड से इन्फेक्ट हुआ। इस बात काफ़ी मरीज यहाँ से पूरी तरह स्वस्थ लेकर अपने अपने घर गए। दिस गिव्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन टू ऑल ऑफ अस बिकॉज वी नो दीज डिफिकल्ट टाइम्स विल पास बाय बिकॉज वी नो गॉड इज बाय आवर साइड विथ हिम Nothing is impossible. We shall care with compassion and we shall overcome. Thank you.